शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर करीब 1 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां से कार्यक्रम स्थल पहुंचे और अपने सागर दौरे के दौरान उन्होंने सागर बीएमसी में निरीक्षण भी किया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक सुविधाओं का जायजा भी लिया। बीएमसी के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में 75% वैक्सीनेशन हो चुका है। सागर के मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं ठीक हैं। इस दौरान उन्होंने बीएमसी प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम के सागर आगमन के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सागर सांसद, नगर विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुनिष्ठा न्यूज 24 के लिए सागर ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 75% से ज्यादा दूसरा डोज लग चुका है, 94% पहला डोज लग चुका है। तो पहली कोशिश ये है कि कोविड की तीसरी लहर को हम आने से रोकें। उसके लिए सबसे सहयोग की अपील है, मीडिया के माध्यम से, जनता से भी। लेकिन तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और इसलिए आज मैंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का अपने साथियों के साथ कोविड से निपटने की जो तैयारी है उनको देखा है। यहां इनके पास 88 आईसीयू बेड तैयार है, भगवान ना करे उनकी जरूरत पड़े। उनमें वेंटिलेटर, उनमें ऑक्सीजन की लाइनें वो ठीक से काम कर रही हैं। 571 बेड ऑक्सीजन बेड वो भी तैयार है, उसकी भी जरूरत ना पड़े यही प्रार्थना है। बच्चों के लिए अभी 14 तो तैयार है, 42 बेड की व्यवस्था है, 72 वेंटिलेटर तैयार है, 130 कंसंट्रेटर इनके पास है, 26 KL क्षमता के ऑक्सीजन के कैप्सूल इनके पास है। कार्यक्रम के दौरान लाखा बंजारा झील का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण करते हुए कहा कि अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस नगर को सारी आवश्यकताएं पूरी करते हुए आधुनिक स्वरूप देने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत होके प्रगतिरत है और कुछ स्वीकृति के अंतिम चरण में है। उनमें से सागर की एक बड़ी समस्या का समाधान, क्योंकि हमारा जो पूरा सागर है प्राचीन, उसको यहाँ जोड़ने के लिए लाखा बंजारा झील से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये संतोष का विषय है कि एलिवेटेड कॉरिडोर का काम समय सीमा के भी पहले चल रहा है। 1.6 किलोमीटर का ये एलिवेटेड कॉरिडोर सागर की जनता को न केवल आने जाने की सुविधा देगा बल्कि सागर को नया स्वरूप भी प्रदान करेगा। इसके आगे विस्तार की भी योजना मेडिकल कॉलेज तक, अस्पताल तक है। उसके साथ ही लाखा बंजारा झील, ये सागर की पहचान है, गौरव है। इसका काम तब स्वीकृत हुआ था जब पुरानी सरकार थी, काम में डिले हुआ है। कोविड भी एक कारण है, वो भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उस समय तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, अस्त व्यस्त सारा काम हमारा हो गया था। उसके काम को भी हमने देखा है, डिले हुआ है, लेकिन नई टाइमलाइन हमने तय की है पूरी, और वो टाइमलाइन सार्वजनिक है, यहाँ लगवाइए। उस निश्चित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ इस काम को पूरा करना होगा। ये कमिट एजेंसी और संबंधित जो अफसर देख रहे हैं उनने किया है। उसी समय सीमा में काम करके
ये लाखा बंजारा झील, मैं ये कहूँगा कि पुरानी न्यू नया निर्माण उस स्वरूप में आएगी